चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मलाजखंड एक्सीएल में सुरंग की दीवार में दबने से एक की मौत और चार घायल पर मुआवजा दिलाने चार घंटे किया प्रदर्शन। ताम्र परियोजना मलाजखंड अंतर्गत एसएमएस लिमिटेड निजी कंपनी में बुधवार को काम करते समय अंडरग्राउंड खदान की सुरंग वाली दीवार गिरने से उसमें दबने से मजदूर गारवियल पिता घासीराम हरपाल उम्र 46 वर्ष ग्राम दुगल टोला उपवा निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा परिसर में ग्रामीणों ने मृतक के स्वजनों को 30 लाख रुपए मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर दोपहर 3 बजे से प्रदर्शन प्रारंभ कर जो देर शाम तक चलता रहा। यह प्रदर्शन करीब 4 घंटे तक चलता रहा, जहां प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि कुछ माह पहले भी एक मजदूर की ऐसी ही मौत हो गई थी, लेकिन उन्हें मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। बताया गया कि घटना 11 से 12 बजे के बीच की है, जहां अंडरग्राउंड में सभी मजदूर काम कर रहे थे, तभी वहां बनी सुरंग की दीवार गिरने से उसमें 5 मजदूर दब गए, जिससे गारवियल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। चार घायल हुए, जिसमें घायलों में धर्मेंद्र पिता शिव प्रसाद पटले 28 वर्ष ग्राम खरखारी कोना बिरसा, ज्ञान सिंह पिता प्रेम सिंह धुर्वे उम्र 23 वर्ष ग्राम बोरखेड़ा निवासी और नानाजी पिता दुलीचंद कटरे 36 वर्ष ग्राम चार टोला निवासी और राजेंद्र पिता मोहनलाल चौधरी उम्र 32 वर्ष ग्राम मंडई निवासी शामिल हैं, जिन्हें मलाजखंड के अस्पताल से छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई रेफर कर दिया गया है। इसी संबंध में मलाजखंड थाना प्रभारी डोमन सिंह मेरावी ने बताया कि ताम्र परियोजना मलाजखंड के अंदर ग्राउंड में मजदूर एसएमएस लिमिटेड निजी कंपनी की तरफ से काम कर रहे थे। काम करते समय सुरंग की दीवार गिरने से 5 मजदूर दब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भिलाई भिजाया गया है। प्रणाम, मैं दादा भैया सबको प्रणाम। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, हम 8 घंटा अंडरग्राउंड काम करते हैं, हमको 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो हमको क्या सेफ्टी पहले चाहिए। जहाँ लू जब वहाँ सबसे पहले तो कोई इंसान लूज पे जाएगा ही नहीं। जहाँ लूट दिख रहा है तो लूट पे कोई नहीं जाएगा। मेरे भाई लोग को भी बता रहा हूँ मैं, जहाँ लूट दिख रहा है वहाँ कोई नहीं जाएगा। हम 8 घंटे गाड़ी चला रहे हैं, तो 8 घंटे गाड़ी चला रहे हैं तो हमको अपने सेफ्टी बहुत जरूरी है। 8 घंटे के साथ हमको काम करना है, और जिस जिस फेस में भी हमको लूट दिख रहा है तो उस फेस में किसी को भी नहीं जाना है वहाँ पे। सबसे पहली बात, अपन ओपन में भी काम कर रहे हैं तो ओपन में जहाँ हमको दिख रहा है कि हाँ यहाँ गड़बड़ी है, तो अपन को उस कदम में नहीं रखना। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं हम सर, एसएमएस एमएमपीएस दोनों एक साथ हैं। तो क्या क्या कमियां हैं कंपनियों में, कंपनी में? सर अंदर में कोई कमी नहीं, अंदर में क्या है फेस का थोड़ा डिफरेंस है, तो उसमें क्या है सर कई फेस ऐसे लूज हैं, तो लूज क्या है गिरने से जैसे हादसा हुआ है, तो उसको हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ कम से कम उसको थोड़ा अच्छे से सेफ्टी करें। गलती मानते हैं इसमें? हम किसी को नहीं मानते, ना कंपनी को नहीं मानते, ना हम हमको नहीं मानते, क्योंकि हम रात दिन अंदर काम कर रहे हैं। हम गलती किसी को नहीं बोलते, क्या सर लूज कभी गिर सकता है, इसलिए हम किसी को नहीं बोल सकते। लूज गिरने के लिए कोई सेफ्टी नहीं रहता क्या? लूज को रोकने के लिए क्या व्यवस्था रहती है? रूप बनता है कि नहीं? रूप रूप बनता है कि नहीं? रूप बनता है जहाँ ज्यादा लूज रहता है। सूरतपुर में राष्ट्रीय महासचिव मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग, जैसा कि अभी मुझे जानकारी मिली है कि मलाजखंड कॉपर माइन के अंतर्गत एसएमएस कंपनी में जो मजदूर काम कर रहे थे, उनमें एक मजदूरों की मौत सुरंग की दीवार गिरने से हो गई है और 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। मलाजखंड में मजदूरों की मौत ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अनेकों बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और मजदूरों की मौत होती रही है, और जब जब ऐसी घटना घटती रही है तब तब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा या आवाज़ उठाते रहे हैं कि मजदूरों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन मजदूरों को ना कोई सुरक्षा उपलब्ध कराए जाते, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से उनको कोई सुविधा उपलब्ध कंपनी द्वारा कराया जाता है।
इस घटना में जो मजदूरों की मौत हुई है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो इस घटना में घायल हुए हैं गंभीर रूप से उनको 25-25 लाख रुपए दिया जाए और ये घटना क्यों होती है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि यह घटना प्रबंधन की लापरवाही के ही चलते होती रही है और होती रहेगी। जब तक प्रबंधन के द्वारा मजदूरों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक ऐसी घटना घटती रहेगी और हमारे क्षेत्र के मजदूर मौत के काल में समाते रहेंगे। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए और मृतक परिवार को 50 लाख रुपए और घायलों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को मलाजखंड में सरकारी नौकरी दी जाए। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।